नवरात्र हिंदू धर्म के खास त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का ये पर्व चैत्र और अश्वयुज मास के दोनों में मनाया जाता है, लेकिन चैत्र नवरात्रि को ज़्यादा खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग अलग स्वरूप की देवी को समर्पित किया जाता है। ये रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज यानी 9 अप्रैल से हो गई है। इस दिन घट स्थापना के बाद ही माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और किस विधि से घट स्थापना की जानी चाहिए। कई लोगों को शुभ मुहूर्त को लेकर आशंका रहती है, आइए इस आशंका को दूर करते हैं। दरअसल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल को रात 11:50 से शुरू हो गई थी और इसका समापन आज 8:30 पर होगा। ऐसे में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर 2:12:48 तक है। इन दो शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्र में शुभ मुहूर्त के दौरान कलश स्थापित करने से साधक के घर में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो चांदी, मिट्टी या तांबे के कलश में घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना में लोहे या स्टील का कलश इस्तेमाल ना करें। घट स्थापना करने से पहले मंदिर की साफ सफाई कर लें। अब घट स्थापना की जगह पर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद हल्दी से अष्टदल बनाएं और कलश में शुद्ध जल लेकर लौंग, अक्षत, हल्दी, सिक्का, इलायची, पान और फूल समेत आदि चीज़ें डालें। इसके बाद ऊपर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। अंत में कलश की स्थापना के समय माँ दुर्गा का ध्यान करें। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। कैसे करनी है इसका पूजन आइए जानते हैं। माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक है। माता के स्वरूप की बात करें तो माँ सफेद रंग का वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी बैल है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माँ का ये स्वरूप सौम्य, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से माता की पूजा करने से अच्छे जीवन साथी, धन, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान करें, फिर माँ का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाएं। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें और उसके बाद माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। माँ शैलपुत्री की आरती का पाठ करें। माँ को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। भोग में मिठाई और फलों को ज़रूर शामिल करें।